अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सऊदी उर्दू न्यूज़ चैनल में सतारा कारी आपको खुश आमदीद कहता है। सऊदी अरबिया की अहम तरीन अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। सऊदी अरबिया में मौजूदा कोरोना बहरान के बायस कौन कौन से मुलाजमीन अपनी मुलाजमतें खो सकते हैं, किन मुलाजमीन के लिए ख़तरे का बायस बन सकता है मौजूदा बहरान, इसकी तफसील की तरफ जाने से पहले हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल के आइकॉन पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आती है इसे लाइक करना मत भूलिएगा। चलते हैं न्यूज़ की तरफ। किंग अब्दुल्ला रिसर्च एंड स्टडी सेंटर की जानिब से सऊदी लेबर मार्केट पर नए कोरोना वायरस के असरात पर मुश्तमिल जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि सऊदी अरब के 24 शोबों के मुलाजमीन इस वबा से मुतासर हो सकते हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक किंग अब्दुल्ला सेंटर ने रिपोर्ट सेंट लुइस में फेडरल रिजर्व बैंक के तर्ज पर तैयार की है। किंग अब्दुल्ला सेंटर ने तवज्जो दिलाई कि सऊदी अरब के 24 शोबों में 39% सऊदी शहरी अपनी मुलाजमतों से महरूम हो सकते हैं, जबकि मजकूरा शोबों में मुतासर गैर मुल्की तादाद 93% तक पहुंच जाएगी। 24 निजी शोबों में गैर मुल्की मुलाजमीन 93% इसलिए मुतासर होंगे क्योंकि इनमें सऊदी मुलाजमीन की तादाद भी ज़्यादा है। 90 लाख से ज़्यादा गैर मुल्की 24 शोबों में काम कर रहे हैं, जबकि सऊदी मुलाजमीन की तादाद 10 लाख से कुछ ज़्यादा है। किंग अब्दुल्ला पेट्रोलियम रिसर्च एंड स्टडी सेंटर ने हालात का मंजरनामा के उनवान से अपनी रिपोर्ट में तवज्जो दिलाई कि सनअत, थोक, रिटेल, ट्रांसपोर्ट, तामीरात, होटलिंग, तफरीहात और फ़नून लतीफ़ा के शोबों में बेरोज़गारी का असर सबसे ज़्यादा होगा। सेंटर का कहना था कि हस्पतालों, हेल्थ सेंटर, फार्मेसीज और सेहत से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम इदारों में बेरोज़गारी के खतरा सबसे कम हैं। इलावाजी ज़रात, कानकनी, फराहमी और निकासी आप, बिजली, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, मालियाती व तालीमी अमूर, सरकारी मुलाजमीन और इलाकई तंजीमों के शोबा से मुंसलिक अफराद भी मुलाजमीन कम से कम मुतासर होंगे। किंग अब्दुल्ला सेंटर ने तवज्जो दिलाई कि यह बात अपनी जगह तस्लीम शुदा है कि कोरोना के वबा लेबर मार्केट पर भयानक असरात डालेगी, तहम इस दौरान सऊदी लेबर मार्केट में इसलाहत लाने और इसका ढांचा तब्दील करने का ये ज़रिंग मौका है। वबा से निजात हासिल करने के बाद तमाम निजी इदारों को सऊदी शहरियों के लिए ज़्यादा पुरकशिश और मजबूत बनाया जा सकता है। पर ये तो थी एक अहम अपडेट जो आप दोस्तों से शेयर करी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका भाई आपसे चाहेगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।